परफेक्शन आईएएस के खास कार्यक्रम ऑडियो सीरीज में मैं आनंद कौशल आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा ऑडियो सीरीज गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यूएपीए से जुड़ा है। सिविल सेवा परीक्षा के लिहाज से यह टॉपिक बेहद महत्वपूर्ण है, लिहाजा इस ऑडियो सीरीज में परीक्षा के हिसाब से महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। यह ऑडियो सीरीज सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के भारतीय राज्य व्यवस्था खंड से जुड़ा है। तो आइए ऑडियो सीरीज की शुरुआत करते हैं। खबरों में क्यों है, दिल्ली पुलिस ने न्यूज क्लिक के संस्थापक और इसके प्रधान संपादक प्रवीर पुरकायस्थ और कंपनी के मानव संसाधन प्रमुख अमित चक्रवर्ती को गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया है। ऐसा इन आरोपों के बाद किया गया कि पोर्टल को चीन समर्थक प्रचार के लिए धन मिला है। आइए इस पूरी घटना के पृष्ठभूमि को समझते हैं। हालांकि अगस्त 2023 में न्यूयॉर्क टाइम्स द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा गया कि पोर्टल को चीनी प्रचार फैलाने के लिए अमेरिकी व्यवसायी नेविल रॉय सिंघम से पैसे मिले थे। इसके बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अगस्त 2023 में मामले में पहली सूचना रिपोर्ट अर्थात एफआईआर दर्ज की थी। पुलिस ने यूएपीए की धारा 13 अर्थात गैर कानूनी गतिविधियों के लिए सजा, धारा 16 अर्थात आतंकवादी कृत्य के लिए सजा, धारा 17 अर्थात आतंकवादी कृत्य के लिए धन जुटाने पर सजा, धारा 18 आतंकवादी शिविर के आयोजन के लिए सजा, धारा 22 गवाह को धमकी देने के लिए सजा, आईपीसी की धारा 153A विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता और वैमनस्य फैलाने वालों पर आपराधिक दायित्व थोपती है, धारा 120B दंडनीय गंभीर अपराध करने के लिए आपराधिक साजिश का हिस्सा होना के तहत मामला दर्ज किया। पुलिस ने इन्हीं मामलों में पत्रकारों, लेखकों, शिक्षाविदों, योगदानकर्ताओं और समाचार पोर्टल से जुड़े एक व्यंग्यकार के घरों और कार्यालयों पर छापेमारी की। इसके बाद फिर से गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यूएपीए चर्चा में बना हुआ है। गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यूएपीए सिविल सेवा परीक्षा के हिसाब से काफी उपयोगी है, लिहाजा इस ऑडियो सीरीज में यूएपीए से अधिनियम से संबंधित विषयों की पड़ताल करेंगे और इससे जुड़े खास संदर्भों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए यूएपीए के परिचय को समझ लेते हैं। गैर कानूनी कार्रवाई रोकथाम अधिनियम 1967, इसके बाद यूएपीए भारत की अखंडता और संप्रभुता को खतरे में डालने वाली अवैध और आतंकवादी गतिविधियों को स्वाभाविक रूप से दंडनीय बनाने के लिए बनाया गया है। यह केंद्र सरकार को संगठनों को आतंकवादी संगठन के रूप में नामित करने और ऐसी संबंधित गतिविधियों में भाग लेने वालों के लिए दंड निर्धारित करने का व्यापक अधिकार देता है। यह अधिनियम केंद्र सरकार को पूर्ण शक्ति प्रदान करता है, जिसके माध्यम से यदि केंद्र सरकार किसी गतिविधि को गैर कानूनी मानती है तो वह आधिकारिक राजपत्र के माध्यम से इसकी घोषणा कर इसे अधिनियम के तहत अपराध बना सकती है। इसमें अधिकतम सजा के तौर पर मृत्युदंड और आजीवन कारावास का प्रावधान है। यूएपीए 1967 का उद्देश्य भारत में अवैध गतिविधियों को रोकना है। इसका मुख्य लक्ष्य अधिकारियों को भारत की अखंडता और संप्रभुता को खतरे में डालने वाले कृत्यों से निपटने की शक्ति देना है। यूएपीए 1967 को व्यक्तियों और संगठनों द्वारा कुछ अवैध गतिविधियों के साथ साथ उससे संबंधित मामलों को रोकना आसान बनाने के लिए अधिनियमित किया गया था। यूएपीए का दायरा, इसका विस्तार संपूर्ण भारतवर्ष तक है। यह अधिनियम भारतीय और विदेशी दोनों नागरिकों पर लागू होता है। यह अपराधियों पर एक समान रूप से ही लागू होता है, भले ही वह अपराध भारत के बाहर किसी विदेशी भूमि पर ही क्यों ना किया गया हो। यूएपीए के तहत जांच एजेंसी गिरफ्तारी के बाद अधिकतम 180 दिनों में चार्जशीट दाखिल कर सकती है और न्यायालय को सूचित करने के बाद उस अवधि को बढ़ाया भी जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को इस अधिनियम के तहत किसी भी कार्य या चूक के लिए दंडित किया जाएगा जो इसके प्रावधानों का उल्लंघन है और जिसके लिए वह भारत में दोषी पाया जाता है। यह अधिनियम भारत में पंजीकृत जहाजों और विमानों पर सवार लोगों पर भी लागू होता है। ऐसे में अब हमारे लिए यह भी जानना जरूरी होता है कि यूएपीए 1967 का इतिहास क्या है।
यूएपीए अधिनियम 1967 की उत्पत्ति औपनिवेशिक काल में हुई जब 1908 में आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम पारित किया गया था। उद्देश्य व्यापक और स्पष्ट था क्योंकि इसका उद्देश्य नए संशोधित अधिनियम का उपयोग करके स्वतंत्रता सेनानियों को हिरासत में लेना था, जिसके लिए पहली बार गैर कानूनी संघ शब्द जोड़ा गया। आजादी के बाद भी श्री नेहरू सरकार ने या उसके द्वारा लागू किए जाने वाले भूमि सुधारों का विरोध करने वाली किसी भी व्यक्ति को चुप करने के लिए अधिनियम के प्रावधानों का फायदा उठाना पसंद किया। न केवल केंद्र बल्कि राज्यों ने भी अपने स्वयं के निरोध कानून बनाए, जैसे कि 1950 का निवारक निरोध अधिनियम और कई सुप्रीम कोर्ट के फैसले, जैसे एके गोपालन बनाम मद्रास राज्य था। आइए अब यूएपीए 1967 की उत्पत्ति के बारे में भी जान लेते हैं। यूएपीए पहली बार 1967 में पारित किया गया था। यह कानून उचित बाधाओं को लागू करने के लिए राष्ट्रीय एकीकरण और क्षेत्रीयकरण के विषय पर गौर करने के लिए राष्ट्रीय एकता परिषद द्वारा बनाई गई एक समिति द्वारा की गई सिफारिश से उपजा है। समिति के निष्कर्षों के जवाब में 1963 का संविधान का 16वां संशोधन अधिनियम पारित किया गया, जिसमें कुछ मौलिक अधिकारों के प्रयोग पर उचित प्रतिबंध लगाए गए, जिनमें शामिल है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक सभा करने का अधिकार, संघ और यूनियन बनाने का अधिकार। इन प्रतिबंधों के कार्यान्वयन को सक्षम करने के लिए यूएपीए को वर्ष 1967 में पेश और अधिनियमित किया गया था। आइए अब जानते हैं यूएपीए 1967 की विशेषताओं को। अधिनियम की धारा 15 के अनुसार केंद्र सरकार के पास किसी भी व्यक्ति को आतंकवादी के रूप में नामित करने का अधिकार है, यदि वह किसी भी प्रकार की आतंकवादी गतिविधि में शामिल पाया जाता है जिससे भारत की संप्रभुता या अखंडता को खतरा होने की संभावना है। किसी भी प्रकार की अवैध या आतंकवादी गतिविधि में शामिल पाए जाने वाली कंपनियों और संगठनों को अधिनियम की धारा 22A के तहत उत्तरदायी ठहराया जाएगा। जिस राज्य में ऐसी घटना हुई है उस राज्य के निर्दिष्ट पदाधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद अधिनियम राष्ट्रीय जांच एजेंसी के किसी भी इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी को किसी भी प्रकार की गैर कानूनी गतिविधि की जांच करने में सक्षम बनाता है, जैसा कि अधिनियम के अध्याय 4 और अध्याय 6 के तहत प्रदान किया गया है। यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है तो वह उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में शिकायत दर्ज कर सकता है। अधिनियम एक आतंकवादी कृत्य को प्रदर्शित करता है जो अधिनियम की अनुसूची में निर्दिष्ट किसी भी संधि के दायरे में होता है। अनुसूची में 9 संधियां शामिल हैं, जिनमें आतंकवादियों की बमबारी के दमन के लिए कन्वेंशन 1997, बंधकों को लेने के लिए खिलाफ कन्वेंशन 1969 और परमाणु आतंकवाद के अधिनियम के दमन के लिए अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन 2005 शामिल है। आतंकवाद कब यूएपीए का हिस्सा बन गया? यूएपीए 1967 और 2004 के बीच एक आतंकवादी कानून नहीं था। दिसंबर 2004 में संसद ने आतंकवादी कृत्यों की सजा से संबंधित विधेयक में एक प्रावधान जोड़ा। मनमोहन सिंह सरकार ने यूएपीए संशोधन अधिनियम 2004 अध्याय 4 पेश किया। 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमलों के बाद 2008 और 2009 में यूएपीए में फिर से संशोधन किया गया। इनकी पहुंच को व्यापक बनाने के लिए 2012 और 2019 में यूएपीए में और अधिक संशोधन लागू किए गए। आतंकवाद आतंक के वित्त पोषण के लिए धन शोधन और समूहों और लोगों को आतंकवादियों के रूप में वर्गीकृत करना अब यूएपीए के अंतर्गत आता है। यूएपीए कैसे बन गया आतंकी कानून? अब आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं। आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1987 टाडा भारत का पहला आतंकवाद विरोधी कानून था। टाडा को आतंकवादी गतिविधि को प्रदर्शित करने और उसका मुकाबला करने के लक्ष्य से बनाया गया था। इसे इंदिरा गांधी की हत्या और पंजाब में आतंकवाद के बाद अधिनियमित किया गया था। उस समय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी थे। 1993 के बॉम्बे विस्फोटों और अन्य आतंकवादी अभियानों के बाद टाडा के आवेदन की मानवाधिकार संगठनों और राजनीतिक दलों ने कड़ी आलोचना की। 1995 में टाडा को समाप्त करने की अनुमति दी गई। आतंकवाद से निपटने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी प्रशासन ने 2002 में आतंकवाद निरोधक अधिनियम पोटा लागू किया।
मनमोहन सिंह सरकार ने यूएपीए में संशोधन करने से पहले 2004 में पोटा को रद्द कर इसे भारत का प्राथमिक आतंकी कानून बना दिया था। आइए अब अंत में यूएपीए संशोधन अधिनियम 2019 को भी जान लेते हैं। अगस्त 2019 में संसद ने अधिनियम में प्रदान किए गए कुछ विशिष्ट आधारों पर किसी विशिष्ट व्यक्ति को आतंकवादी के रूप में नामित करने हेतु गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम संशोधन विधेयक 2019 को मंजूरी दी थी। यूएपीए संशोधन अधिनियम 2019 में एक विवादास्पद संशोधन शामिल है जिसने अधिनियम के तहत आतंकवादियों की परिभाषा को विस्तृत किया है। मूल कानून के अध्याय 6 की धारा 35 और 36 के तहत केंद्र सरकार ने 2019 में व्यक्तियों को आतंकवादी के रूप में पहचानने के लिए इसे संशोधित किया। यदि उसे लगता है कि व्यक्ति आतंकवाद में शामिल है, एक बार जब व्यक्ति को इस प्रकार वर्गीकृत किया जाएगा तो उनका नाम अधिनियम की अनुसूची 4 में जोड़ा जाएगा। यह अधिनियम मामले की जांच के दौरान राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के महानिदेशक को संपत्ति की जब्ती या कुर्की करने की मंजूरी देने का अधिकार देता है। यह अधिनियम एनआईए के इंस्पेक्टर या उससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों को राज्य में डीएसपी या एएसपी या उससे ऊपर के रैंक के अधिकारी से संबंधित मामलों के अतिरिक्त आतंकवाद के सभी मामलों की जाँच करने का भी अधिकार देता है। आज के ऑडियो सीरीज में इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।